अब मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी हर चीज़ में। कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती तो मैं हमेशा सबसे आगे होता था और हाइट भी अच्छा था। तो वहाँ पर हमारे कोच साहब थे यादराम सर, तो उन्होंने मेरा टैलेंट को रिकोगनाइज़ किया कि भाई इधर उधर अपना जो फोकस है इधर उधर भटकाने से अच्छा है कि तू एक मार्शल आर्ट लाइन ज्वाइन कर, तेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो वहाँ से फिर मुझे ताइक्वांडो ज्वाइन किया, फिर बैक टू बैक मौका मिलता रहा, फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, फिर उसी में ही मैं चलता ही रह गया। थ्री इडियट्स मूवी जब स्टार्ट होती उसमें होता ना कि वो इतने सारे मतलब डेली इतने बंदे हैं उनके साथ आपको डेली लड़ना है। आप जहाँ पीछे रह जाओगे ना, आपने थोड़ा सा एफर्ट्स कम किया तो कोई और आगे निकल जाएगा आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको वो 100% अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया जीतना है, भीड़ बहुत है, उनमें से निकलना है, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ऐसा भी हुआ है कि कॉम्पिटिशन्स में मतलब स्टेट लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी कि मैं भी खेल रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी खेल रहे हैं। मेरा भी मैच चल रहा है और आफ्टर दैट मैं अपने स्टूडेंट्स के मैच देख रहा हूँ, नहीं ये नहीं करना, ऐसे खेलना है। तो वो भी कंडीशन है। मतलब 2019 तक तो फॉलो ही किया है मैंने उन चीज़ों को। 2013 to 2019 मतलब 6 साल तो मैंने मतलब मेरे प्लेयर और मैं साथ ही खेलते थे, हम लोग इकट्ठे ही बैठे होते थे। हार्ड वर्क पेज ऑफ, ऑलवेज हार्ड वर्क पेज ऑफ। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। Welcome to the Garima Avtar Show. Today I have with me Ajay Dalal, a Taekwondo coach who has achieved significant milestones in the world of Taekwondo, holding a Level 1 coach license from World Taekwondo. His coaching journey includes notable achievements such as guiding Team India to the Youth Olympics qualification in Tunisia 2018, securing a bronze medal at the Junior World Championship 2018, and coaching Team India in prestigious events like the India Open 2019. And Asia Open 2019, 2020 and 2021. His expertise has been recognized globally with coaching stints at the World Women Championship, Saudi Arabia 2021, and the Asian Club Championship, Iran 2021. As a Taekwondo player, his achievements speak volumes. He has excelled both internationally and nationally, showcasing his skill and determination on various prestigious platforms. Internationally, he has secured notable positions in events like the Fazar Cup, Iran, Asian Club Taekwondo Championship, Iran, and Commonwealth Taekwondo Championship, Canada 2017. His journey also includes impressive performances in the World University, Taiwan, and German Open Taekwondo Championship, Germany. On the national front, he has consistently shined, winning gold medals in All India University Taekwondo Championship and making podium finishes in numerous national level championships. His leadership as a captain of Indian team further exemplifies his commitment to the sport. Thanks for joining me, Ajay. Such a pleasure to have you on my show. Thank you, Garima. आपने बुलाया और आपके प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला, आज अपने व्यूज रखने का मौका मिला। I am very thankful. Thank you. So, आप प्लीज़ अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ताइक्वांडो इस स्पोर्ट को आप किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको ज्वाइन करने के लिए? एक्चुअली इट्स लाइक अ, जैसे स्कूल में असेंबलीज होती है, तो मैं अपने स्कूल की असेंबली में था, तो जब वहाँ पर ना बच्चों को मेडल्स मिल रहे थे तो मैं मतलब पीछे खड़ा होकर उनके लिए तालियाँ बजा रहा था कि सबको मेडल्स मिल रहे हैं। तो एट दैट टाइम मुझे अपने दिमाग में एक क्लिक किया कि मैं कब वहाँ जाऊँगा और ये सब मेरे लिए कब भी करेंगे। तो ये एक यहाँ से एक स्टार्ट हुआ थोड़ा सा। तो आई जस्ट स्टार्टेड गेम्स कि मैं गेम्स में जाऊँगा और मुझे भी मेडल चाहिए और मुझे भी ये सब तालियां मेरे लिए भी बजनी चाहिए। तो ऐसे करके स्पोर्ट्स में एंट्री हुआ। अच्छा, ओके, ग्रेट। एंड ताइक्वांडो कैसे सोचा आपने ज्वाइन करने के लिए स्पेसिफिकली? और गरिमा जी, एक्चुअली आई जस्ट बिलोंग टू अ विलेज, तो हम लोग बड़े मतलब बचपन से खेती बाड़ी और वो सब किया था। और यहाँ से हम स्कूल में, मैं जो हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से पास आउट हूँ, तो वो काफ़ी बड़ा स्कूल था, वहाँ गए और वहाँ पे मार्शल आर्ट मतलब अब मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी हर चीज़ में। कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती तो मैं हमेशा सबसे आगे होता था और हाइट भी अच्छा था। तो वहाँ पर हमारे कोच साहब थे यादराम सर, तो उन्होंने मेरा टैलेंट को रिकोगनाइज़ किया कि भाई इधर उधर अपना जो फोकस है इधर उधर भटकाने से अच्छा है कि तू एक मार्शल आर्ट लाइन ज्वाइन कर, तेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो वहाँ से फिर मुझे ताइक्वांडो ज्वाइन किया, फिर बैक टू बैक मौका मिलता रहा, फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, फिर उसी में ही मैं चलता ही रह गया सीधा। क्या बात है, क्या बात है। सो थोड़े से और अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए, जर्नी में आपने क्या फेस किए, आपके इस आपने काफ़ी अचीवमेंट्स, आपने नेशनल मेडल्स भी जीते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। चैलेंजेस तो गरिमा जी ऐसा था कि मतलब कि ये तो एक ना पार्ट ऑफ अ लाइफ है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपने जन्म लिया तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। मैंने बताया सबसे पहले मैं एक जस्ट गांव के एक फैमिली से बिलोंग करता था, तो और किसी ने ना ऐसे ही बोला मेरे फादर को, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि हंसराज मॉडल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें एडमिशन मिलेगा ही नहीं, तो सबसे पहला चैलेंज था स्कूल में एडमिशन लेना। तो उसके लिए क्या हुआ कि पापा ने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा कि एडमिशन नहीं मिलेगा। बोला एक्चुअली पापा के फ्रेंड्स ने ट्राई किया, उनमें किसी का भी नहीं हुआ। उन्होंने आके घर पे बताया, मम्मी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक स्कूल है। एंड मेरी जो मदर था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर की लेडी है, उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा, मतलब अब तो इसी स्कूल में एडमिशन होगा। मेरी मम्मी स्कूल में जाती हैं, प्रिंसिपल मैम को मतलब वो रिजेक्ट कर दिया होता है, मेरे को रिजेक्ट कर देता है कि भाई हम नहीं ले पाएंगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। यहाँ सब थोड़ा सा एक अलग ही, आप जहाँ से आ रहे हैं विलेज से और यहाँ पे बच्चा उसको कैच नहीं कर पाएगा, एजुकेशन का सारा सा प्रॉब्लम है ये वो। तो माय मदर सेड कि देखिए जी हमने तो खेती की है बट मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी वही सब करे जो हमने किया है। तो उन्होंने किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को कन्विंस किया और लास्ट में उन्होंने शी एग्रीड कि ठीक है मैं एक मौका देती हूँ इसको। तो ऐसे तो वहाँ से चैलेंजेस तो मतलब मुझे स्कूल में एडमिशन लेने थे। फिर मैं स्कूल क्लासेस के अंदर गया, तब देखा कि यहाँ तो सिस्टम ही जहाँ हम रहते हैं और वहाँ से पूरा ही अलग है। अब पहले स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद फिर अपना दोबारा खेतों की तरफ जाओ, वो सब काम भी करना है जो घर का काम है, और फिर स्कूल में पढ़ाई, खेल, मतलब वो चैलेंजेस तो दिन रात ही मतलब एक पार्ट ऑफ अ लाइफ रहा है मेरे लिए। इट्स नॉट ईजी, कभी कुछ मिला नहीं, इट्स डेली हार्डवर्क करते रहे तो मिलता रहा। बस ये था कि मैं कंस्टेंट लगा हुआ था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। बिल्कुल। अब मम्मी ने कहा कि भाई इतनी दूर गया है तो कुछ तो करके दिखा। तो मुझे याद है जब लास्ट टाइम पे प्रिंसिपल मैम ने जब एक दिन मुझे बुलाया और बोला कि मैं मतलब मुझे वैसी प्रेज कर रही थी कि थैंक यू। मैंने कहा मैम क्यों, आप मतलब आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो? वाई मैम ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो मैम ने कहा नहीं, मतलब जो तेरा एडमिशन लेकर मैंने जो तुझ पर ट्रस्ट दिखाया ना वो तू उस ट्रस्ट पे कामयाब रहा, तू खड़ा रहा, तो उसलिए मैं तेरे को थैंक यू बोल रहा हूँ। तूने मुझे अपने आप से ये नहीं होने दिया कि मैंने गलत एडमिशन लिया। तो वो बहुत ही मतलब एक था लेवल कि यार दैट मैंने कुछ तो अचीव किया है। ये स्कूल की थी। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गए, गेम्स में मौका मिला, हार गए, फिर दोबारा लड़े, जीत गए, मतलब गिरते रहे सीखते रहे, गिरते रहे सीखते रहे। कोचिज के लिए कोई प्रॉपर एक सेंटर नहीं होता था, तो खेतों में अपने लिए एक जगह बना रखी थी ट्रेनिंग करने के लिए कि भाई हम तो इसी जगह पर ट्रेनिंग करूँगा। अपने ट्रेनिंग की अपने जगह अलग अलग बना रखी थी करने के लिए। फिर जिधर जिसने भी देखा कि हाँ भाई कैलिबर है इसमें, दिल्ली के जितने भी कोचिज थे। जब मैं दिल्ली टीम के सिलेक्ट हुआ पहली बार 2005 मणिपुर, तो मैं स्टेट कैंप में गया, तो वहाँ देखा कि भाई बंदे में कैलिबर है, ये कर सकता है। तो जैसे जैसे कोचेज ने गाइड किया मैं करता चला गया, मतलब जैसे जैसे जिसने बोला कि भैया ये करना है, अगर मेडल चाहिए तो ये करना है, तो मेरे लिए था कि जो बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले कि एक नेम मिला, एक फेम मिला, बट कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि आपको सब चीज़ें नहीं मिलती उसमें। जो फ्रेंड सर्कल, वो जो एक आज के टाइम पे जो लाइफ ग्लो एक लाइफ बोलते हैं, उन सबसे दूर होते चले गए और एक इस तरफ में अपना फेम और नेम की तरफ में, ताइक्वांडो की तरफ में, स्पोर्ट्स की तरफ में जुड़ते चले गए। जी जी। तो चैलेंजेस तो मैम चलते ही रहते हैं। फिर इंजरीज हुई। नहीं नहीं बिल्कुल, चैलेंजेस तो एज यू सेड एंड मतलब इट्स अ थिंग, नोन थिंग कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आया गरिमा जी 2010 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी इंडिया के अंदर। अच्छा। तो मैं क्वालिफाई कर गया कि चलो एशियन चैंपियनशिप खेलना है, मतलब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेलना है। आई एम वेरी हैप्पी। उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में, तो कॉमनवेल्थ का ना एक बहुत बड़ा हुआ हो गया था इंडिया के अंदर कि कॉमनवेल्थ पता नहीं क्या ही है, मतलब सबके सब पहचान मिल गई थी स्पोर्ट्स को ना, टूर्नामेंट लेवल को, जैसे ओलंपिक्स ऐसे ही कॉमनवेल्थ को भी पहचान मिल गई कि ये भी कुछ होता है। Right. तो आई एम वेरी हैप्पी। और कैंप के अंदर हम प्रैक्टिस करते करते मुझे फ्रैक्चर हो गया। और फ्रैक्चर हो गया तो अब मैंने कहा क्या करूं। फ्रैक्चर होने के बाद में अब बैक टू पवेलियन। तो वो टाइम ऐसा था। फिर 2010 के बाद वो मुझे 2017 में मौका मिला, तो 7 साल उस चीज के लिए वेट करना पड़ा, अपने आप को परफॉर्मेंस को रेगुलर रखना, खेलना। 2012 में मुझे फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप मैं कोरिया जाने का मौका मिला। 13 में फिर इंजरी आई, फिर ठीक हुए, फिर इंजरी आई, कैंप में नाम आया, कैंप से नाम विड्रॉ हो गया। मतलब चैलेंजेस चलते ही रहे, तो पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। नहीं नहीं टोटली टोटली लेकिन कुछ अच्छा भी आपको ना स्ट्रांग भी करती है चीजें, ऑफ कोर्स। या मेरा मानना ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग ही कर रही होती है कुछ चीजें, कुछ शायद वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने का इंतजार हो रहा होता है वो चीज के लिए। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्गर बनाने का। और यू नो जैसे मतलब मैं तो अभी आपने जैसे शुरू में आपकी जर्नी जैसे आपने अपने मदर के बारे में भी बताया ना, वो उनका उनके जज्बे को भी मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने बोला कि अरे कैसे नहीं मिलेगा मतलब वो मेरा और ना मेरी मदर का जो सेम थिंग है, ऐसे कैसे मतलब कैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे कर देंगे, देखी जाएगी जो होगा, देखेंगे बाद में, देखेंगे जो होगा, करना है तो करना है, वो चीज है। नहीं नहीं अमेजिंग अमेजिंग, ऐसा ही होना चाहिए जज्बा, यू नो पूरा अपना 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 बेस्ट से बेस्ट देना है। उसके बाद जो आउटकम है वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो हमको बिल्कुल 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 छोड़ देना, वो तो हाँ करते रहना है, अपना बेस्ट 100% देना है बस। लास्ट में जब निकलते थे रिंग से भी या अपनी लाइफ से भी, जब भी मैं मतलब आज भी डेली जो मेरा कोचिंग शेड्यूल है या जो भी मेरा शेड्यूल, रात में लास्ट में आई जस्ट आस्क माय सेल्फ दैट मैंने अपना 100% दिया। जब अंदर से आंसर आता है हाँ फिर 100% था, ओके आज का दिन मेरा अच्छा गया, अब नाउ फोकस फॉर द नेक्स्ट डे। ये मेरा लाइफ का डेली का रूटीन है। मतलब मैं एक बार अपने आप से पूछता हूँ कि क्या जो भी किया वो आपने 100% दिया कि नहीं दिया, तो आधा आंसर उसी में मिल जाता है आपको, सारे आंसर वहां मिल जाते हैं अगर अंदर से ही यू नो आपके इनर से आवाज आती है कि नहीं आपने 100% नहीं दिया, इट मीन्स आपको और देना है। और जब आता है 100% दिया है, ठीक है रिजल्ट होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपने एफर्ट्स कितना लगाया वो मैटर करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने बोला कि आप ये डेली फॉलो करते हैं, लेकिन आप ये कंसिस्टेंटली कैसे कर पाते हैं? आई मीन वो भी मतलब अपने आप को जैसे उतना मोटिवेट रखना हाई लेवल में कि आप एवरी डे यू नो आप बोले कि आप अपना 100% कर रहे हैं, और क्योंकि प्रैक्टिस मैटर्स। आई मीन जनरली बोलते हैं ना प्रैक्टिस के दौरान ही हमको बेस्ट करना चाहिए, मतलब हम प्रैक्टिस अगर आधे लेवल से करें तो ऑब्वियसली हमारी हम प्रिपेयर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो हमारी मतलब पूरी जोर शोर से 100% देकर ही होनी चाहिए, बट एवरी डे कैसे इसका ना बहुत छोटा सा आंसर है। हाँ। मुझे ना अपने आप से अपनी गेम से ना बहुत प्यार है। जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो आप उसको 100% देते हो। क्या बात, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जब प्यार है तो 100% दे रहे हैं, प्यार नहीं होगा तो फिर फॉर्मेलिटी होगी, फॉर्मेलिटी होगी तो फिर आप उसमें देखेंगे अच्छा चल छोड़, चल छोड़, तो वो फॉर्मेलिटी, अगर आपको प्यार है तो फिर फॉर्मेलिटी नहीं आनी चाहिए बीच में। मैंने बोला ये मेरे लिए, इट्स अबाउट माई सेल्फ कि मैंने क्या किया, इट्स नॉट अबाउट द अदर्स कि वो क्या किया है उसने क्या किया, नहीं इट्स अबाउट माई सेल्फ कि भैया मैंने क्या किया, 100% दिया। मुझे अपने पैशन से प्यार है, मुझे प्यार है अपने पैशन से, अपने प्रोफेशन से, अपने गेम से, अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनकी परफॉर्मेंस के साथ, उनके लिए सोचना बैठना। बोला 100% तभी आ पाएगा मैम जब आप उस चीज़ से प्यार करेंगे। आजकल हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ सिर्फ शौक के लिए करते हैं तो फिर वो चीजें छूट जाती हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ दिन करने का फिर मन भर जाना, लेकिन जब आपको उससे प्यार होगा तो आपको मन ही नहीं भरेगा, आपके लिए डेली नया दिन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको उससे प्यार है तो आप 100% देंगे अपना। ऑसम, सुपर सुपर, एकदम परफेक्ट। सो अच्छा मुझे बताइए अजय जी, आप ये कोचिंग अभी देन यू गॉट इनटू कोचिंग, मतलब आप पहले तो वो कोचिंग में कैसे आए आप, वो छोड़ के आपका हाउ डिड दैट हैपन? ओके, कोचिंग में स्टार्ट हुआ 2013 में, जबकि 12 में मैं खुद भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 13 में मैंने एक्चुअली क्या था कि हमें ना कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिल रहा था दिल्ली के अंदर। हम जहाँ पर भी जाते ना वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम होता था कि दैट 4 से 5 या 5 से 6 ही आप जाएंगे या कोई। अब ऐसा होता था कई बार हम गए और जो कोच आना था कोच ही नहीं आया, वहाँ पर लॉक लगा हुआ है, हम लोग गए वहाँ बैठे रहे और वापस आ गए। अब इंडिया को रिप्रेजेंट, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि अब हम जा रहे हैं और मतलब कोच ही हमसे पूछ रहा भैया अब इसके बाद क्या करें, तो हमने वो टाइम भी फेस किया है। ओह शिट, ओके। कि आप रेगुलर जा रहे हैं, आप रेगुलर देख रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, नेशनल जा रहे हो, तो मे बी देयर इज समथिंग न्यू, तो आप हमें ही बता दो। तो वो चीज़ ना बड़ा खटकती थी कि यार अब जैसे मैं इंटरेस्ट हो जा रहा हूँ या नेशनल्स में जा रहे हैं जहाँ हमारा कॉम्पिटिशन लेवल है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं दिन में 10-10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, उनका एक शेड्यूल चल रहा है, 2-2 घंटे के शेड्यूल चल रहे हैं, 3-3 घंटे का शेड्यूल चल रहा है, और हम सिर्फ वही दिन में 1 घंटा करने को मिलता था। तब फिर मैं था, एक हमारे कोच साहब हैं नीरज कोच साहब, अजय यादव, अब्दुल मोबिन खान, मतलब ये जो इंडिया को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे थे या साई में कोचेज अभी लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा यार हम सीनियर्स हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं हम अपने लिए ट्रेनिंग सेंटर ओपन करते हैं सब मिलकर चारों, और फिर जैसे जैसे कोई आएगा तो ठीक है, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, रेंटमेंट में निकल जाएगा जहाँ भी अकेडमी स्टार्ट की है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, जो हमसे सीखेगा हम उसको एक अच्छा सिखाएंगे, हम उसको एक लेवल कंसेप्ट करेंगे, हम उनका एक माइंड सेट करेंगे कि लाइफ सिर्फ यहाँ नहीं है, लाइफ इससे ऊपर है, आपको वहां तक जाना है जहां पर हमें। तो हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए जगह चाहिए थी, तो हमने तब प्रैक्टिस शुरू की कि भैया अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कि हमें कोई रोके ना। मेरा रात को मन है 10 बजे ट्रेनिंग करने का, तो मैं घर से उठूंगा सीधा 10 बजे आऊंगा, अपना लॉक ओपन किया और अपना ट्रेनिंग किया। मेरा मन सुबह 4 बजे करने का, मेरा दोपहर में मन है तो मैं दोपहर में ट्रेनिंग करूंगा। मुझे किसी के लिए बैठना नहीं है, इंतजार नहीं करना, भैया आप ताला खोलेंगे तो हम ट्रेनिंग करेंगे या आप आओगे तो कुछ होगा। बस वहीं से हम कोचिंग लाइन स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे करके। बात है, क्या बात है। ये तो मतलब बहुत ही ना अमेजिंग चीज है। आप एकदम ट्रूली आप एम्बॉडी करते हैं अपना स्पोर्ट एकदम। ऐसा भी हुआ है कि कॉम्पिटिशन्स में, मतलब स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, कि मैं भी खेल रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी खेल रहे हैं। मेरा भी मैच चल रहा है और आफ्टर दैट मैं अपने स्टूडेंट्स के मैच देख रहा हूँ, नहीं ये नहीं करना, ऐसे खेलना है। तो वो भी कंडीशन है, मतलब 2019 तक तो फॉलो ही किया है मैंने उन चीजों को। 2013 to 2019, मतलब 6 साल तो मैंने, मतलब मेरे प्लेयर और मैं साथ ही खेलते थे, हम लोग इकट्ठे ही बैठे होते थे कि अरे ऐसे करके चल रहे हैं। अच्छा। सो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने प्लेयर के साथ, वो आपके ही वाज योर राइवल, ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ था। यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप थी चेन्नई में, सत्यभामा यूनिवर्सिटी। तो अब मेडल मैच में इधर से मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ही स्टूडेंट मेरे सामने, और वो हमारा मेडल मैच, हम आमने सामने खड़े हुए एंड वो आके मेरे को देख रहे। अब मैं ऐसा कोच की तरफ क्या पैर नहीं छुए मैं पता ना, वो शुरू होता ही वो एंड ही जस्ट केम टू, अब वो मैं अब क्या बोलूं कि अब मुझे अपना 100% दूं कि अपने बच्चे की तरफ सोचूं। Can't even say Ajay Bhav to that. It's like very complicated, मतलब वो सिचुएशन में आज भी बहुत ठीक मैच था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच ना बड़ा ठीक था, बस मैच को ना उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब उसको अपने कोच से लड़ना है, मुझे अपने स्टूडेंट से लड़ना है, और दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वहाँ मेडल का क्वेश्चन है ना, मैं अपना 100% से कम कर सकता हूँ ना वो अपना कर सकता है, बट वो अंदर से एक वो चीज होती है ना कि यार इन्होंने सिखाया और मैं ही इसको डेली सिखा रहा हूँ। और मैच का ना एक मोमेंट ऐसा आया, इन 3rd राउंड की बात थी, मैं जीत गया था मैच। 3rd राउंड में ऐसा हुआ कि मैं उसको डांट रहा हूँ, तू ये गलती क्यों कर रहा है, तेरे को इतनी बार बोला है। वो होता है ना, जब एक चीज के लिए आप उसको डेली मना कर रहे हो, ये नहीं करना। और 3rd राउंड में उसने वही गलती की और मैंने स्कोर कनेक्ट किया और मैं उसको फिर ड्यूरिंग द मैच ही डांट रहा हूँ, और उसके बाद याद आता है हम तो मैच खेल रहे हैं। अच्छा। तो बाकी सब जितना ऑडियंस है या जितने भी कोचेज है वो सब हंस रहे हैं बाहर बैठ के कि ठीक है वो। अच्छा। वैसे तो गुरुजी मतलब आप ही जीते ना मैच। अच्छा। हाँ वो ठीक, मतलब हुआ है वो चीज जो आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, सो आपने टीम इंडिया को भी कोच किया है ना? जी मैम, टीम इंडिया कोच किया। हम अभी यूथ ओलंपिक्स के लिए गए थे, हम ट्यूनिशिया 2018 में शायद, तो वहाँ पर हमारा यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन था, बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट हमारा वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था। एट द फर्स्ट टाइम इंडिया 14th रैंक पे थी बॉयज में। क्योंकि ताइक्वांडो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा खेलने वाला गेम है। इट्स मोर देन 170-180 कंट्रीज वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं। तो 180 कंट्रीज में आप 14th रैंक पे हो विद अ ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें आपने यूएस को हराया है। एंड यूएस को हराकर हमने अपना मेडल सिक्योर किया। तो मैच चल रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ, मतलब हम बाहर जो मैच का बाहर वाला अपनी स्टेयर अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, पोडियम पे खड़े हैं, और मेरे साथ हंगरी का कोच है, अजरबैजान का कोच, और 5-7 कंट्रीज के मैच जैसे मैच देख रहे हैं। एंड जैसे ही मैच खत्म होता है, हंगरी का कोच इज सेइंग, ओह इंडिया वेरी टफ, नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड मैं वहां साथ में खड़ा हूँ, जो मेरी प्राउड मोमेंट एट दैट टाइम कि भाई ताइक्वांडो में अभी हम ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, बट हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे एथलीट्स, हम टॉप 20s में आ चुके हैं, वर्ल्ड रैंक में टॉप 20s में हमारे एथलीट्स हैं, 30s में हमारे एथलीट्स हैं, टॉप 100 में मोर देन 15-16 प्लेयर्स आज की डेट में इंडिया में 15-16 मतलब 15-16 प्लेयर हुए हैं जो टॉप 1-80s के बीच में आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे। लेकिन जब वो कोई फॉरेन कोच आपके लिए बोल रहा है कि दैट वेरी टफ एंड नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इंडिया, तो इट मीन्स वो अपने आप में ही मेरे लिए तो वो ओलंपिक यूथ में हम क्वालिफाई कर गए। बिल्कुल 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 नहीं हम और उस दिन मतलब वो हमारी जो जूनियर टीम थी एट दैट टाइम बेस्ट टीम थी। हम एक मैच रिंग 1 में जीत रहे हैं, रिंग 2 में हमारा मैच जीत रहे हैं, रिंग 3 में हम हार गए, रिंग 4 में हम जीत रहे हैं। मतलब बैक टू बैक ना ऐसा हो गया कि सब ये इंडिया हो क्या रहा है, मतलब ये लोग मेडल्स तक मतलब क्योंकि हमें पूल से जाना पड़ता है, पूल में पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, अब चौथा मैच हमारा मेडल मैच है, लेकिन हम 2 मैच भी जीत गए तो बैक टू बैक इंडिया कॉल हो रहा है। तो वो बार बार यार आज मतलब इंडिया इज दिस टूर्नामेंट। तो फिर उसके बाद जैसे मैच खत्म होता है ना, आपने चक दे इंडिया वगैरह देखी होगी, लास्ट में अदर कंट्रीज के कोचेस मिलने आ रहे हैं कि ओ इंडिया हाय, वो एक रिलेशन बनाना है समथिंग लाइक दिस। तो वो एक प्राउड मोमेंट था वहां पर कि हाँ कुछ है। और अभी भी हम एशियन गेम्स में भी कुछ कुछ मार्जिन पॉइंट से हार रहे हैं, मतलब टाइम होता था कि हम कवर नहीं कर पाते थे क्योंकि एशियन रीजन सबसे टफ है। अब एशिया के अंदर आपका कोरिया है, कोरिया का गेम है, फिर इसके अलावा आपके पास ईरान है जिसके पास ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, आपके पास थाईलैंड है, आपके पास चाइना है, जापान है, जितने भी मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं वो सबकी सब एशिया रीजन के अंदर आती है और हमको उनको डिफीट करके ओलंपिक क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी नहीं कर पा रहे हैं बट मैचेस अब हमारे बहुत क्लोज जा रहे हैं, जैसे उनका 4 है हमारा 2 है, उनके 5 हमारे 3 स्कोर हैं, 4-4 का बैच स्कोर हो गया है, सुपीरियरिटी पे हम मैच हार गए हैं। तो अभी वहां तक पहुंच रहे हैं बट बहुत जल्दी हम इसको स्विच कर जाएंगे, फिर हमारे स्कोर ज्यादा होंगे, उनके स्कोर कम होंगे। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको ऑल द बेस्ट विशेस बोलना चाहती हूँ। मतलब आई एम श्योर आप ऐसा ही होगा, हमारा तिरंगा झंडा एकदम नंबर 1 पे लहराएगा। डेफिनेटली मैम, वो हर एक एथलीट का एक सपना होता है, मतलब और उस टाइम पे रिंग में उसको एथलीट को अपना है वो सपना पूरा दिखाई दे रहा होता है। हर एक बच्चे के अपने ड्रीम, अपनी कहानियां हैं, तो एवरीबडी जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कि भैया मैं अपने आप को एक बेंचमार्क सेट करके जाऊं लाइफ में, अपने फ्यूचर में अपनी एक लेगेसी बनाकर जाऊं। सब उसी पर वर्क कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो अजय जी, आप मतलब इस लेवल का गेम खेलने के लिए ओलंपिक लेवल सो दैट हम क्वालिफाई भी कर जाएं और कोई माशाल्लाह कोई मेडल भी हम लेके आए, तो उसके लिए क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रैटेजीज आप आप अडॉप्ट कर रहे हैं जिसे कोच करने के लिए स्टूडेंट्स को? मैम सबसे पहले तो अभी सबके सब ना कोचेज और प्लेयर्स दे आर वेरी शार्प राइट नाउ। प्लेयर्स भी बहुत शार्प हो गए हैं, कोचेस भी बहुत शार्प हो गए। अगर मैं अपने टाइम पे बात करूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोचेस मेरे से पूछ रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे एथलीट्स इतने शार्प हैं कि उनको आंसर देने के लिए कोचेस भी बहुत शार्प हो रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं, अब आज की डेट में हम पढ़ भी रहे हैं, हम हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सिचुएशन को सोल्व करने के लिए मतलब पढ़ना, एजुकेशन, जहाँ से भी हमें जितना ज्ञान मिल रहा है, जितना भी हम चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से जितना शेयर कर रहे हैं ना, वो जितनी टेक्टिक्स बन रही हैं, प्लेयर्स का भी दिमाग चल रहा है कि हम अब प्लेयर्स जैसे सोशल मीडिया मिल गया है या इंटरनेट की वजह से, अच्छा मेरे वेट में ये प्लेयर है, वो कितने मैच हारा है, कितने मैच जीता है, प्लेयर्स भी अपना होमवर्क कर रहे हैं, वहीं कोचेस तो कर ही रहे हैं उस होमवर्क को, साथ में प्लेयर्स भी कर रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है जो मैं मानता हूँ कोचिंग में, मैं अपने हर एथलीट को बोलता हूँ आप फाइट करके आइए, उसके बाद हम बैठ के डिस्कस करेंगे। जब प्लेयर और कोच बैठ के डिस्कस कर रहा होता है तो उनको पता होता है भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, और कोच बता सकते भैया आपकी ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ लैग कर रहे हो। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन है वो पिछले जो 3 से 4 साल में मैंने अभी देखा है ना इंडिया के अंदर, नॉट इवन माय मतलब पूरे इंडिया में अभी एक ट्रेंड बन गया है, इसलिए हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं। तो टैक्टिक्स उसी के हिसाब से ही, हर प्लेयर के लिए अलग टैक्टिक्स है, हर वेट के लिए अलग टैक्टिक्स है। अब टोटली वेट है, मतलब वेट एट 8 वेट होते हैं बॉयज के, तो 8 वेट के हर, अब 54 जो फिन वेट है सबसे, उसकी टैक्टिक्स अलग है, हैवी वेट है उसके अलग है। तो हमें वो सब चीज़ें देखकर चलनी पड़ती हैं। प्लेयर्स के ऊपर है कि कौन सा प्लेयर है और ओपोनेंट में कौन सा प्लेयर आएगा मैच में, तो सारी टैक्टिक्स उसी के हिसाब से चलती है। अच्छा, ओके। सो लुकिंग इनसाइड द माइंड ऑफ अ विनर, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ्स और क्या चीज़ें होती हैं जो सक्सेस से लिंक करती है किसी स्पोर्ट में, जो सक्सेस दिलाती है स्पोर्ट में? मैम सबसे जरूरी जो सक्सेस के लिए ना कि आपका डेडिकेशन। अच्छा, आप उसको हर हाल में चाहते हो, जो एथलीट चाहता है मुझे हर हाल में जीतना ही है, मुझे जीतना है मेरे को भैया, जो उसका पॉजिटिव माइंड है कि भैया मेरे को जीतना है, मेरे को अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करना, वो ही एथलीट सक्सेस लास्ट में हो पाता है। देखिए एक बहुत एक ना नॉर्मल एथलीट आया ग्राउंड में, उसका माइंडसेट और एक मेडलिस्ट उसके माइंडसेट में दिन रात का फर्क है। अच्छा, अब माइंडसेट में भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 जिसने गोल्ड जीता है, नंबर 2 जिसका सिल्वर है, नंबर 3 जिसका ब्रॉन्ज है। इतने सब में से जिसने गोल्ड आया ना मैम, इट वाज लाइक उसने सोच के बहुत कुछ अपने आप को प्लान करके अपने आप को 100% मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रख रखा कि भैया मेरे को जीतना। एक होता है, मैंने बताया ना, जब आप अपने गेम से प्यार करते हो या आप सिर्फ अपने आप को चाहते हो रिजल्ट आना, जो बंदा चाहता है ना, बाकी सब कर रहे हैं, करने में और चाहने में और उसको करके दिखाने में, ये चारों चीज ना आपस में लिंक्ड होती है। अब आपकी क्लास में आप एक टीचर क्लास ले रही है, अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर होते हैं, उसने पढ़ाया सबको एक जैसा है, लेकिन टॉप को एक ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम चीज जो उस टॉप करने के लिए अपना माइंड को सेट करके बैठा हुआ है कि भैया मुझे तो वहां तक जाना है। हाँ, अब उसके बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को वो कैसे फोकस करता है। सबसे पहली बात, विनर बनने के लिए क्या आप रेडी हैं। उसके जीतने के बाद आपको खुशियां तो बहुत सारी मिलेंगी, कहते हैं ना सक्सेस होने के बाद एवरीबडी इज रेडी टू क्लैप यू, बट जहां फेल होते हैं ना, फेल होने के बाद अगर आप अपना डार्क साइड को एक्सेप्ट करके तैयार बैठे तो ही आप सक्सेस पे जा पाएंगे। तो जो एथलीट उसको तैयार रहता है, माइंड सेट करके रखता है कि भैया ये तो मेरे को लाना है, ये मेरा माइंड सेट है, तो जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। माइंडसेट को, माइंडसेट सबसे जरूरी है मेरे हिसाब से, जिसका माइंडसेट है कि भैया मेरे को जीतना है और एक सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना। अब ऐसे तो आप जिसको भी ग्राउंड में जाएंगे सभी का सपना आजकल ओलंपिक है कि हाँ भाई कहाँ तक है। जो बच्चा फर्स्ट डे ग्राउंड में है वो भी ओलंपिक खेलना चाहता है, जो 10 साल से वो भी ओलंपिक खेलना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू प्ले ओलंपिक, बट ओलंपिक खेलने के लिए मेहनत कौन करने को तैयार है, अपनी खुशियों को त्यागने के लिए कौन तैयार है। एक दूसरा वर्ड है त्यागना। आप अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार हैं? आप अपनी, आपके दोस्त पार्टी कर रहे होंगे और आपको ट्रेनिंग करना पड़ रहा होगा, क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? जब सबके सब दिवालियों पे, होली पे, सब त्योहार पे छुट्टी मना रहे हैं और उस टाइम पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो अपना कि भैया पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप उन सब चीजों के लिए त्यागने के लिए, नींद, सबसे पहले सुबह उठना, नींद त्यागने के लिए कि मैं सो के उठा, मैं, सबको नींद बहुत अच्छी लगती है ना, हम भी आज सुबह, मतलब मैं सुबह 4:30-5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे भी उस टाइम बड़ी अच्छी नींद आ रही होती है। सबसे बड़ी बात है त्यागना। अगर आप उस नींद को त्यागने के लिए रेडी हो कि भैया कोई बात नहीं, मैं बाद में सोऊंगा, तो आप सक्सेस की धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ते हैं और वो सारा आपका जो त्याग होता है ना, वो लास्ट टाइम पे आपको फिर एक मेडल देता है जो वो सबको पूरा करता है, लेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला था शुरू में कि सक्सेस तो मिली बट बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आज नीरज चोपड़ा को सब देखते हैं, सब आइडल मान रहे हैं, बट आप देखिए कि उसने कितने महीने से वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा है, वो अपने घर पर भी नहीं है, पता नहीं कितने दिन में अपने घर पे बात करता होगा, या वो फॉरन अदर कंट्रीज में है तो सुबह है यहाँ रात है, कई बार बात हुई नहीं हो पाई या एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट। तो जब आप उतना त्यागने के लिए रेडी रहोगे, आपको वेट रिड्यूस करना है, सामने आपकी फेवरेट डिशेज बैठी हुई हैं, रखी हुई हैं, बच्चे जानबूझकर आपको टीज भी करते हैं एट दैट टाइम कि हाँ भाई कुछ खाएगा क्या, वो मेंटेलिटी लेवल, वो आप त्यागना कि भैया नहीं, मैं, मेरे अंदर वो पेशेंस है, मैं इन छोटी मोटी चीजों में नहीं बह सकता। हाँ, तो अगर आप उन त्यागने के लिए तैयार बैठे हैं, आप त्याग, जो त्यागेगा वो तपेगा, जो तपेगा वो सोना बनेगा, बहुत सिंपल है। ऑसम ऑसम। अजय जी, कभी कोई ऐसा मौका आया है आपके लाइफ में जब मतलब आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आए हों और आपने सोचा कि मैं क्यों गेम खेल रहा हूँ, मतलब बहुत बार क्विट करना है गेम, चोट लग गई, ये मन उदास हो गया, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, अपने आप को क्या कहा उस समय? अभी आपने बोला, एक टाइम ऐसा आया था, मैं वर्कआउट कर रहा था, बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, शादी भी हो गई थी, सब चीज़ें, शादी भी मेरी बहुत जल्दी एज में हो गई, तो अब एक होता है ना कि आप फैमिली से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, और मैं कैंप में था, तो एट दैट कैंप में मुझे 17 किलो वेट कम करना था, जो मेरा यूनिवर्सिटी ओलंपिक्स, यूनिवर्सिटी आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई एम द ओनली एथलीट फ्रॉम इंडिया जिसने यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप और यूनिवर्सिटी गेम्स दोनों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अभी तक सिर्फ मैं ही एक ऐसा एथलीट हूँ जिसने दोनों वर्जन में उनको अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, दोनों टाइप के चैंपियनशिप में भी और गेम्स में भी। यूनिवर्सिटी 1.5-2 महीने का कैंप था। अब सुबह उठो, मतलब सिर्फ वो ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीना है, फिर रनिंग करना है, बैक टू बैक रनिंग चल रहे हैं, वेट रिड्यूस, जो ट्रेनिंग चल रही है, जो कोच करा रहे हैं वो अलग ट्रेनिंग है, उसके अलावा फिर अपना वेट कम करना है, क्योंकि आपके पास एक महीने में 17 किलो वेट कम करना है। तो मुझे हाँ पॉसिबल है, मैंने किया है, मैंने ऑर्गन्स एंड ऑल पे बहुत नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब वर्कआउट है, जब आप वर्कआउट उतना करते हैं तो वो कंटिन्यू चलता है, वो एक एथलीट के लिए नॉर्मल थिंग है। मुझे आज भी याद है गरिमा जी, एट द डे मतलब मैं कई बार रोया हूँ दोपहर में बैठ के ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब वर्कआउट होने के बाद इतना नेगेटिव थॉट्स था मन में कि ये हो क्या रहा है, कर क्यों रहा हूँ, मतलब बैठ के लिटरली मैं बैठ के रोया हूँ कि यार हो क्या रहा है ये चीज़ें। मतलब सुबह उठो तो यही शेड्यूल है, रात को फिर यही शेड्यूल है, बैक टू बैक शेड्यूल। तो फिर मैंने वही जो अभी आपको बोला, जब आपने पूछा कि इससे आप मैनेज कैसे करते हो, फिर द सेम चीज़ प्यार है इससे कि करना तो है भैया, जीतना तो है, वहाँ इंडिया लिखवाना तो है, इंडिया को एक बार फ्लैग लेकर चढ़ना तो है। तो जब आप उन चीज़ों को सोचते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर गेम किसी को स्टार्ट करनी है ना, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक रीजन होना चाहिए। पहले एक रीजन होना चाहिए कि क्यों करना चाहते हो, फिर एक विजन होना चाहिए कि वहां तक जाना चाहता हूँ। ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना तो बड़ा मुश्किल है उसको संभालना। आप यकीन मानिए, मतलब सबसे पहले आज की डेट में क्या है, भीड़ चाल है इंडिया में। अच्छा जेवलिन में मेडल आ गया तो सारे जेवलिन में ही भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं उनको पता ही नहीं, भैया गोल्ड आएगा तो हमें ये मिल जाएगा, या मतलब कि बस कर दो तो आपको फेम मिल जाएगा। अगर आप हम अपने हरियाणा पंजाब की तरफ देखेंगे तो आप देखो रेसलर हैं, तो भैया एक रेसलर जीत के आया तो फिर सारा गांव ही रेसलिंग कर रहा है कि बस करना है, क्यों करना है जी, वो पहलवान जी जीत कर आए थे तो कभी हमारा भी होगा। तो ऐसे भीड़ में नहीं चलना है, आपके पास एक विजन होना चाहिए कि भैया मैं क्यों कर रहा हूँ, और जब आपके पास रीजन है मैं कर रहा हूँ और फिर विजन है मुझे वहां तक जाना है, उसके बीच की जो आपकी हमेशा उसको याद करके रखना है, तो आप कभी ना 100% हमेशा दोगे। वो मैंने बोला ना प्यार ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि भैया मुझे वहां तक जाना है। एक होता है ना विजन की सेट आपको कि भैया मुझे 10 किलोमीटर चलना है, अच्छा यहाँ तक 7 पहुंच गया, 3 रह गया, फिर थोड़ा चल रहे, अच्छा यार अब 2 रह गया, जब रनिंग की रनिंग नहीं हो रहा तो वॉक कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे तो जैसे भी जाना है बस वहां तक पहुंचना है 10 किलोमीटर। टारगेट आपका पूरा होना चाहिए कि मैंने यहाँ से शुरू किया यहाँ तक खत्म करना है जी। बीच में जर्नी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उसको कोई नहीं पूछेगा, आप क्विट कर दोगे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ बंदे मजाक बनाएंगे कि भैया जाता था सुबह बैग उठा के जाता था, क्या किया आज। और इसी के बीच में आधे से ज्यादा एथलीट्स इंडिया में क्विट कर जाते हैं। ज्यादातर आज मैं देख रहा हूँ एथलीट्स की सोच हो गई है कि भैया बस जॉब मिल जाए, जॉब मिल गई इसका मतलब आप एक लालच में गेम कर रहे हो, फिर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। अगर आपको अपना 100% देना तो आपने शुरू क्यों किया था, क्या आपने जॉब के लिए शुरू किया, नहीं मुझे तो ओलंपिक्स, तो फिर ओलंपिक्स के लिए सोचो, बिल्कुल गो फॉर दैट। अगर आपने 100% दिया तो फिर आपको मिलेगा। हार्ड वर्क पेज ऑफ, ऑलवेज हार्ड वर्क पेज ऑफ। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा गया, जॉब का कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब में चले गए, उसके बाद क्या है तो फिर रिलैक्स हो गया। जहां रिलैक्स हो गया फिर वहां रिजल्ट नहीं आएगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने कितनी बढ़िया बात कही। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते है, राम राम। और आप लोगों मतलब इतना टाइम निकाल के कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं तो यही बोलूँगा, ऑलवेज हार्ड वर्क, कभी काम चोरी मत करो, ऑलवेज अपने काम से प्यार करो, अपने मम्मी पापा से प्यार करो, अपने कोच से, उनके लिए लॉयल रहो। सबसे पहले लॉयल रहना प्यार के साथ साथ। अगर आप अपने ट्रेनिंग के साथ लॉयल हैं, अपने गेम के साथ लॉयल हैं, अपने मदर फादर के साथ लॉयल हैं, आप अपने कोच के साथ लॉयल हैं, ट्रेनिंग सेंटर के साथ लॉयल हैं, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आपको हराने वाला कोई नहीं है। फिर प्रॉब्लम जहां पर आपने अपनी लॉयल्टी कम की, प्रॉब्लम वहां से आना शुरू होगा। वो किसी भी एरिया में, आपने घर पे बोलना कि मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ और आप ट्रेनिंग पे नहीं गए तो कहीं ना कहीं आप लैग करना शुरू कर जाओगे। आप ट्रेनिंग एरिया में गए, आपने अपना 100% नहीं दिया, आप लॉयल नहीं उसके साथ में, आप लैग करना शुरू कर जाओगे। 3 इडियट्स मूवी जब स्टार्ट होती है उसमें होता है ना कि वो इतने सारे मतलब डेली इतने बंदे हैं, उनके साथ आपको डेली लड़ना है। आप जहाँ पीछे रह जाओगे ना, आपने थोड़ा सा एफर्ट्स कम किया तो कोई और आगे निकल जाएगा आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको वो 100% अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया जीतना है, भीड़ बहुत है, उनमें से निकलना है। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। नहीं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज अजय जी। आपका सबसे मोस्ट सक्सेसफुल मोमेंट एज अ कोच क्या रहा है? एज अ कोच जब मेरे स्टूडेंट नेशनल चैंपियन बना। अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे मैं फोन पे सुन रहा था तो मतलब मैं वहाँ नहीं जा पाया था, तो मैचेस की एक एक सेकंड, 2 मिनट का राउंड होता है तो मैं एक एक सेकंड फोन पे था। 10 सेकंड रह गए, 9 सेकंड रह गए, उसका कितना स्कोर है, हमारा कितना स्कोर है। तो आप एक पिछले 9-10 साल से एक लड़का रेगुलर अपना नेशनल चैंपियन है और उसको आपका स्टूडेंट अगर उनको हरा देता है इतने बड़े सीनियर एथलीट को, तो अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है कि दैट मैंने कुछ तैयार किया है। अमेजिंग, अमेजिंग जी, ग्रेट। आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है? मेरे रोल मॉडल मैम दो तीन है, मतलब इंडिया में अलग है, आउट ऑफ इंडिया अलग है। इंडिया में सुरेंद्र भंडारी भैया हैं और संदीप कुंडू भैया हैं, शिव कुमार भैया हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको शिव कुमार भैया का बोला, तो मैंने उनका पैशन देखा। वो सुबह न्यूज़पेपर बेचते थे ताकि फिर वो दोबारा दोपहर में ट्रेनिंग करने जाएं। आज वो पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे बड़ी एक न्यूज़पेपर बेचने से सब इंस्पेक्टर तक पहुंचना, तो इट्स अ बहुत बड़ी जर्नी। तो रोल मॉडल क्यों ना बने वो हमारे। और सुरेंद्र भंडारी भैया पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने इंडिया को एशियन गेम्स में मेडल दिलाया। हमारा पहला मेडल सुरेंद्र भंडारी भैया को, तो हमारे लिए लेजेंड है। संदीप कुंडू भाई साहब इसलिए हैं कि वो मेरे ही वेट में थे। उनको देख देख के जब वो खेलते थे ना, हम बाहर बैठ के देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे खेलना है, अच्छा ऐसे खेलते हैं, तो उनको तो देख देख के सीखा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपका प्राउडेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है? मैंने बताया ना, जब अपना बच्चा नेशनल जब जीतता है, अपना कोई स्टूडेंट नेशनल जीतती है, कोई भी है, कोई मेडल जीतता, आपको पता चलता है, फोन आता है कि सर मेरा गोल्ड मेडल आ गया, या सर मैं ऐसे हो गया हूँ, या सर आज मैंने यहाँ ज्वाइनिंग कर लिया, मेरा जॉब लग गया है। वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब आप एक समाज को या आप अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी चीज दे पाओ, तो वो सबसे प्राउड मोमेंट है। सुपर सुपर अमेजिंग। आई थिंक हमने आपसे आज इतना, मतलब मैं तो बहुत मोटिवेट हुई हूँ आपसे कॉन्वर्सेशन करके, और बहुत ही मजा आया। अजय जी, थैंक यू सो मच। वी कम टू द एंड ऑफ द शो नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इट्स ऑल माय प्लेजर। Thank you all for listening to today's episode with your host Garima Avtar. See you in the next one. Have a great day. Bye.